Hello everyone, welcome to my channel Edu2Fly. In the previous video, we have studied the circular flow of income and now we are going to study the basic concepts of macroeconomics. The first one is the domestic territory. Domestic territory or economic territory is the geographical territory administered by the government. Now, domestic territory जो होती है बहुत ही important concept है हमारा national income accounting में. आगे हम national income के practicals भी करेंगे तो वहाँ पे domestic income का बहुत use है, domestic territory का बहुत use है. अगर हम layman language में बात करते हैं domestic territory की, तो domestic territory means the political frontiers of a country. However, for the purpose of national income accounting, इट इज़ यूज इन वाइडर सेंस. अगर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये वाइडर सेंस में इसकी बात होती है. अब हम अगर यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये जो येलो पोर्शन है मेरा इंडिया का, दैट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा. इंक्लूडिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. अब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो ओन और ऑपरेटेड, यहाँ दो चीज़ें हैं. अगर ओनरशिप होगी और ऑपरेशन नहीं होगा नॉर्मल रेजिडेंट के, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा. कंडीशन ये है कि वो ओनरशिप भी होनी चाहिए और ऑपरेटेड भी होना चाहिए बाय नॉर्मल रेजिडेंट. अब इसका एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं, एक प्लेन है एयरप्लेन जो एयर इंडिया ऑपरेट कर रहा है रशिया एंड जापान के बीच में, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. लेकिन जो प्लेन ऑपरेट हो रहा है बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सिंगापुर टेरिटरी बिकॉज इट इज ऑपरेटेड बाय द सिंगापुर एयरवेज. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द फिशिंग वेसल्स ऑयल नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाई द रेजिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर्स. जैसे कि फिशिंग बोट्स जो है वो ऑपरेट होती हैं इंडियन फिशरमैन के थ्रू इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन, तो वो भी क्या कंसिडर होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट. नेक्स्ट है हमारा एम्बेसीज कंसल्टेंट्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री दैट इज लोकेटेड एब्रॉड. अब इंडियन एम्बेसी है वो किसी भी कंट्री में हो तो वो रहेगी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही. ऑलराइट, इंडियन एम्बेसी चाहे रशिया में है चाहे चाइना में है, एवरीवेयर देयर इज एन एम्बेसी ऑफ इंडिया. तो जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी होंगे बाहर की कंट्री में हमारे इंडिया के, तो दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी. नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दैट व्हाट डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड. फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्बेसीज कंसुलेट्स एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में कोई एम्बेसी है तो वो इंक्लूड नहीं होगी. नेक्स्ट, ऑलराइट, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO एटसेट्रा लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. जो भी अगर इंडिया में WHO को कोई ऑफिस है, UNO को कोई ऑफिस है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा. Next is our normal resident. What is a normal resident? If we talk about a normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in the country. Wo individual ya fir institution dono ho sakte hain jo ordinarily reside karta hai kisi country mein और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए. इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसकी अर्निंग स्पेंडिंग और उसका एक्यूमुलेशन सब कुछ ऑफ वेल्थ सब कुछ जो है वो डोमेस्टिक कंट्री में ही होना चाहिए. एंड अब हम पढ़ेंगे व्हाट अ नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड्स. इट कैन बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. सेकेंड, हु लिव्स इन और लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. जो नॉर्मल रेजिडेंट होगा वो इंडिया में ही रहेगा, अगर इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी है वो इंडिया में ही रहेगा और उसकी जो लोकेशन है ऑफिस की लोकेशन है तो वो इंडिया में ही होगी. नेक्स्ट, कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम दैट लोकेशन. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं हमारी जो अर्न करने के लिए होती है हमारी एक्टिविटीज, वो हमने उसी लोकेशन से, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमारी उसी लोकेशन से होनी चाहिए. And now, what the normal resident does not includes?
फर्स्ट फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, अगर बाहर से फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में कोई टूरिस्ट और विजिटर आ रहा है, दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ नॉर्मल रेजिडेंट. नेक्स्ट फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स, ये अगर फॉरेन स्टाफ कोई है, कोई डिप्लोमेट्स है बाहर कंट्री का, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा. नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स एम्प्लॉयज, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल WHO है और उसके एग्जाम और उसके एम्प्लॉयज हैं, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं आएगा. नेक्स्ट आर द बॉर्डर वर्कर्स. बॉर्डर वर्कर्स वो हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द अदर कंट्री, दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव, नॉट वेयर दे वर्क. वो उसी कंट्री के रेजिडेंट समझे जाएंगे जिस कंट्री में वो रहते हैं, ना कि उस कंट्री में जहां वो वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज आर सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप. सिटीजनशिप की अगर हम बात करते हैं, देन सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन अ प्लेस ऑफ बर्थ और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग टू बिकम अ सिटीजन. सिटीजनशिप दो ही कंडीशंस में हो सकती है, या तो एक इंडिविजुअल किसी प्लेस पे बर्थ लिया है उसने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है वो इंडिया में उसका बर्थ है तो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर द सिटीजनशिप एंड द इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम एन इंडियन सिटीजन, देन ऑल्सो ही इज अ इंडियन सिटीजन. नेक्स्ट इज अ रेजिडेंटशिप. रेजिडेंटशिप इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन. ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है. सिटीजनशिप जैसे लीगल कॉन्सेप्ट था, रेजिडेंटशिप जो है हमारा, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जहाँ पे पर्सन अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो पर्सन उस जगह का रेजिडेंट होगा. इफ एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इफ ही ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन वन ईयर एंड इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री. नेक्स्ट अगर हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, चाइनीज सिटीजन है जो इंडिया में रह रहा है, एक साल से ज्यादा हो गया है उसे, तो ही वुड बी अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. हाउएवर अगर वो चाइनीज जो है, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही डज नॉट होल्ड अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे काम कर रहा है, ही इज नॉट द इंडियन सिटीजन, ही इज ओनली द रेजिडेंट ऑफ इंडिया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम ही कुड बी अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री. नेक्स्ट इज आर फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. सो वॉट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाई द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज. वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली है अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के रिटर्न में. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे? चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम आर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट इज गिवन ऑन द लैंड, wages are given to the labor, interest is given on the capital and profit is given to an individual or enterprise. Next is our transfer income. So basically transfer income is income received without rendering productive services in return. What does it mean? कि मुझे कोई income हुई है, कोई productive service करने के लिए नहीं हुई है, लेकिन वो income. मुझे कोई इनकम हुई है लेकिन मैंने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी हैं. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड पीपल को, ओल्ड सिटीजन्स को ओल्ड एज पेंशन देती है, या कोई स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है, अनएम्प्लॉयड को कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है, या पॉकेट मनी मिल रही है, ये सारी क्या है? ट्रांसफर इनकम. ये यूनिलेटरल होती है, वन साइडेड इनकम होती है, वन साइडेड ट्रांसफर होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर इनकम. Thanks for watching the video. If you like the video, do hit the like button, share with your friends and subscribe the channel.